असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाई बहनों की संख्या गिनाकर उनको हकीकत दिखा दी है। रविशंकर प्रसाद के साथ भाई बहनों को लेकर सच्चाई सामने लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला करते हुए ओवैसी ने उनके भाई बहन को लेकर सवाल खड़ा किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा, अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बयां बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहने हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है कहा। 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।